नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि केटीजी से रिलेटेड है. इसमें दो गैसेज दिए गए हैं. देयर आर टू गैसेज आर्गन. आर्गन हैज एटॉमिक रेडियस 0.07 नैनोमीटर, एटॉमिक वेट 40. एंड सेकेंड गैस इज जिनॉन हैविंग एटॉमिक रेडियस 0.1 नैनोमीटर, एटॉमिक वेट 140. हैव द सेम नंबर डेंसिटी एंड आर एट द सेम टेम्परेचर. द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मीन फ्री टाइम इज क्लोजेस्ट टू. अब मीन फ्री टाइम क्या होता है? दो कोलिजन के बीच में, दो कंसिक्यूटिव कोलिजन या सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो गैप होता है, टाइम गैप, उसको हम लोग बोलते हैं ये मीन फ्री टाइम या रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं इसको. तो हमें पता है कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको मीन फ्री पाथ कहा जाता है ना. और ये आता है 1/√2πn इंटू डी स्क्वायर, है ना, ये आता है. अब यहां पर एन जो है उसको हम लोग कहते हैं नंबर डेंसिटी. एन नंबर डेंसिटी होता है. तो अगर ये मीन फ्री पाथ है तो हमें रिलैक्सेशन टाइम या मीन फ्री टाइम कैसे निकालना है? ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आरएमएस स्पीड, यहां से निकल जाएगा ये, है ना. तो 1/√2πn डी स्क्वायर इंटू वी आर एम एस. वी आर एम एस जो है वो होता है 3RT/m, यानी कि ये हो जाएगा 1/√2πn डी स्क्वायर √m/3RT, है ना. तो यहां पर ये कहा जा सकता है कि मीन फ्री टाइम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हुआ? एक तो √m के, √m/d², बाकी सब कांस्टेंट है. ये जो डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी, दोनों का सेम बताया गया, टेम्परेचर सेम बताया गया है, है ना. और ये मॉलिक्यूलर वेट जो है वो डिफरेंट है, आर तो कांस्टेंट रहता ही है, ठीक. तो अगर हम लोग इसमें फाइंड करेंगे पहले आर्गन का और फिर नीचे रखेंगे जिनॉन का, तो इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा एम आर्गन बाय एम जिनॉन इंटू डी जिनॉन डिवाइडेड बाय डी आर्गन का होल स्क्वायर, है ना. तो आर्गन का मोलिकुलर वेट देखेंगे 40 दिया गया है और जिनॉन का दिया गया है 140, ठीक. अच्छा, जिनॉन का जो रेडियस है, रेडियस दिया गया 0.1 नैनोमीटर और आर्गन का 0.07, तो 0.1/0.07 जो रेशियो रेडियस का आएगा वही रेशियो डायमीटर का भी होगा. तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, है ना. तो ये देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 1.09 आएगा. हालांकि काफी डिफरेंस है, लेकिन जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें क्लोज्ड आंसर जो है वो है 3 जो है सबसे पास में उसके, तो इसलिए ये जो आंसर है वो सही होना चाहिए. हालांकि एनटीए का आंसर जो है वो कुछ और है, लेकिन ये करेक्ट आंसर होना चाहिए.